गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे। हम लोग आज चल पड़े हैं सुबह सुबह। 9th of January है आज। हम जा रहे हैं यहाँ पे एक नियर बाय देऊ रोड करके एक जगह है, वहाँ पे एक अय्यप्पा स्वामी टेम्पल है। बहुत पुराना, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं जब बचपन में मेरे मासी के घर आती थी पुणे में, तो हमेशा वहाँ पे हम सैटरडेज जाते थे। तो हमने सोचा कि आज हम वहाँ जाए, अनन्या को भी ले जाए। बहुत साल से जाने का हमारा प्लान था। 4 years back गए थे मैं और विराज, 8th January को। 8th January मेरी मॉम का बर्थडे होता है। सो मैंने फिर विराज को बोला कि इस बार भी चलते हैं, अनन्या को नहीं लेके गए थे। सो आज हम चल पड़े हैं देऊ रोड। सो चलिए चलते हैं हमारे इस जर्नी पे। अनन्या के न्यू शेड्स देखे आपने? गोवा से पहन रही है। हम अब पीसीएमसी ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। पीसीएमसी है पिंपरी चिंचवड़ का कॉर्पोरेशन एरिया, मतलब पिंपरी चिंचवड़। सो देऊ रोड एक्चुअली पिंपरी चिंचवड़ के इसमें ही आता है, विसिनिटी में आता है, या फिर उनके कॉर्पोरेशन में ही आता है। तो यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आप सभी को पता है सब जगह मेट्रो के काम चल रहे हैं, और एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर प्लेसेस पीसीएमसी का जो मेट्रो का काम है वो सबसे फास्ट रहा है। अगर मैं हमारे यहाँ का जो मेट्रो का काम अगर देखूँ और यहाँ का देखूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्चुअली पूरे ट्रैक्स रेडी है, कुछ कुछ मेट्रो स्टेशंस रेडी है। वेर इन पुणे सिटी जो मेन सिटी है वहाँ पे अब तक पिलर्स भी नहीं हुए हैं कुछ कुछ एरियाज में, स्पेशली इन ओल्ड सिटी, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड स्पेस इशूज। बट यहाँ पे बहुत फास्ट है काम। मुझे ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर टू पुणे मेन सिटी, पीसीएमसी काफ़ी ऑर्गेनाइज है। उन्होंने काफ़ी डाइवर्जन्स दिए हैं जिन्हें डायरेक्टली बाहर आउट ऑफ पुणे गिरना है, मतलब इस तरह से। एक्चुअली काफ़ी लोग शिरडी नासिक की ओर जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग डाइवर्जन बनाया है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। काफ़ी ऑर्गेनाइज है, जो सिटी एरिया में घूमना है उनके लिए एक सेक्शन है सर्विस रोड, और काफ़ी बीच बीच में डाइवर्जन्स दिए। सो बहुत प्लान्ड है ये जगह। यहाँ आते वक्त एक्चुअली थोड़ा अगर मैं अकेले ड्राइव कर रही हूँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर एक कोई डाइवर्जन मिस हो गया तो शायद व्यू टर्न लेके आए। बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी प्लान्ड प्लेस आई फील। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो है ये मेट्रो का लाइन है, इट इज़ ऑल रेडी एक्चुअली। सो आई थिंक जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, शायद ये जून में मे बी आई थिंक स्टार्ट भी हो जाए, वी मे नेवर नो। पिंपरी चिंचवड़ मेरे लिए थोड़ा क्लोज टू हार्ट है, भले मैं यहाँ पे 5 years में रह रही हूँ एक्चुअली। क्योंकि बचपन से, जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे मैं बहुत आती थी। मेरे कजिन्स जब यहाँ पे ही थे, मतलब अब मेरी जो दीदी है उनका शादी हो गया तो वो मूव हो गई थी, फिर हम पुणे मुंबई भी करते थे। बट बचपन से हर वेकेशन में मैं यहाँ पे 10-15 दिन तो रहने आती थी। तो हमने बहुत बहुत मेमोरीज यहाँ पे स्पेंड किए, बहुत वेकेशन स्पेंड किए मैंने और मेरे बड़े भैया ने। हम बहुत आते थे, भैया से ज़्यादा मैं आती थी। तो मुझे पिंपरी बहुत पसंद है, क्योंकि ये यहाँ पे मेरी मासी रहती है, मेरी मॉम की सिस्टर। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। तो अभी भी हम उसी तरफ से जा रहे हैं। तो ये टेम्पल एक्चुअली बचपन की सारी यादें दिला देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाइवर्जन है, ये ऊपर का रास्ता है जो है वो एक्चुअली उसे नासिक के लिए कनेक्ट करता है। सो ये एरिया को नासिक फाटा भी बोलते हैं। यहाँ से एक्चुअली इनसाइड द सिटी जाने के लिए नीचे से जाए, फिर यू कैन एग्जिट पुणे एंड आप जा सकते हैं नासिक, और नासिक नारायणगांव जो भी आप हाईवे पकड़ना चाहें। सो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी अच्छा, रोड्स क्लियर, हम खुश क्योंकि नो ट्रैफिक, और जल्द से जल्द दर्शन लेके हम वापस भी आ सकते हैं। तो आज का प्लान वही था कि हम सुबह जल्दी निकले, टेंपल जाए, ताकि हमारा पूरा दिन हमें अच्छा यूटिलाइज करने मिले, और हम कमिंग वीक के लिए जो हमारे वीडियो शूट्स हैं, रेसिपी शूट है, वो भी कर पाए।
ताकि हमारा कोई भी टाइम वेस्ट ना हो. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द डे एंड टाइम. इसलिए सुबह उठना बहुत यूजफुल होता है सैटरडे संडे हमारे लिए. विराज को थोड़ा टफ गिरता है बिकॉज वो बेचारे रात को ज़रा लेट सोते हैं उनका ऑफिस टाइमिंग की वजह से. मैं और अनन्या यूजुअली सो जाते हैं तो, बट वो भी उठते हैं हमारे साथ तो, सो दैट हम भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए दो दिन. तो चलिए चलते हैं अब आगे ये सफ़र. विसिनिटी में ये एक्चुअली एक थोड़ा सा हिल पे एक टेम्पल है. चार साल पहले आए थे तो एक नॉर्मल रास्ता था, ऐसे ही जस्ट चढ़ना था. अभी ये काफ़ी अच्छा रोड्स बना है, नीचे एंट्रेंस में सिक्योरिटी है, काफ़ी अच्छा सेटअप किया है. काफ़ी चेंजेस हुए. मैं एग्जैक्ट 4 ईयर्स पहले आई थी. मैं कल ही एक्चुअली फेसबुक पोस्ट पे मैंने देखा जब 2017 में 8 जनवरी को मैं और विराज यहाँ पे आए थे. वो दिन मॉम का बर्थडे था करके, और तब मैं एक्चुअली वर्किंग नहीं थी, तभी शादी हुआ था तो तभी मैं घर पे थी तो, और विराज की छुट्टी थी तो हम आए थे. बहुत मज़ा आया था. तब हम आए थे हमारे 2-व्हीलर पे, एवेंजर पे आए थे. तभी हमारी कार नहीं थी तो कार हमने अनन्या बॉर्न होने के बाद खरीदी एक्चुअली. तो तब हम एवेंजर पे आए थे इतनी दूर. ये एक्चुअली आई थिंक अराउंड कुछ 14 किलोमीटर्स होगा. 14 किलोमीटर्स हम एवेंजर पे आए थे, 14 से ज़्यादा होगा शायद, 14-17 होगा. और बहुत मज़ा आया था तब. वो टाइम पे बाइक पे आई थिंक इतना दूर मैं पहले बार कभी आई थी. कभी मुंबई में इतना जाना नहीं होता है तो वैसे. तो अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं. आपको मैं दिखाता हूँ व्यू. टेम्पल के अंदर अनफॉर्चुनेटली शूट करना अलाउड नहीं है. फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड. तो आप लोगों को मैं अंदर का व्यू नहीं दिखा सकती, बट फिर भी बाहर से तो देख ही सकते हैं टेम्पल कितना प्यारा है. देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा. ये है वो टेम्पल, ये है टेम्पल का एंट्रेंस. यहाँ इसके बियॉन्ड अलाउड नहीं है फोटोग्राफी. हमने दर्शन ले लिया, बहुत ही अमेजिंग दर्शन, बहुत अच्छा लगा. पूजा भी मिली हमें. हम थोड़ी देर रुके अंदर और थोड़ा अंदर उधर इधर घूमे, और वहाँ पे एक्चुअली क्लोजर के पहले थोड़ा सा एक पूजा चल रहा था तो हमें बाहर वेट करना पड़ा. अब बाहर निकले हैं. अंदर थोड़ा भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, विच इज़ रियली एक्चुअली गुड इन अ वे. मंदिर का जो रूल्स है उसे रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हमने फ़ोन को नहीं हाथ लगाया, बट आपको बाहर का नज़ारा तो ज़रूर दिखा सकते. ये देखिए, ये है बाहर का नज़ारा. यहाँ पे नीचे एक्चुअली ये डिफेंस एरिया है. आई थिंक ये एयरफोर्स का एरिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये पूरा एरिया इतने सालों से मेरे बचपन से आ रही हूँ वहाँ, तब से ये ऐसा ही है, ये चेंजेस नहीं है. पीछे ये टेंपल का एंट्रेंस, बहुत ही वेल मेंटेन टेंपल है. ये जो यहाँ पे स्टेप्स है, यहाँ के ये जो स्टेप्स है, यहाँ पे बैठ के मैं और मेरी कजिन्स हम लोग पिक्चर्स लेते थे बचपन में. अब हम चल पड़े हैं यहाँ से निकले हैं. काफ़ी फ़ोटो वोटो खींचे, हम डालेंगे हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे.
बहुत अच्छा व्यू है, उसके सारे फोटोज हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह हमने सिर्फ अपना कॉफ़ी दूध जो भी है ऐसे पी के निकले थे, तो प्लान ये था कि यहाँ पे आए हैं तो रत्ना होटल में तो ज़रूर जाएंगे। रत्ना होटल एक्चुअली मेरी मासी का ही है, तो और मेरी मासी का घर यहाँ से नज़दीक है, बट हम मैं और अनन्या और विराज कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे ऐसे प्लान कर रहे हैं, तो अब बहुत एक्चुअली सुबह है तो जाना इज़ नॉट कन्वीनियंट। तो बट हम ब्रेकफास्ट के लिए रत्ना जाएंगे। मैं पिछले चार पाँच साल से विराज को कह रही हूँ कि रत्ना का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, खाना अच्छा होता है, तो विराज ने बोला चलो आज वही जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे कि हमने क्या क्या खाया, और वहाँ का ओवरऑल फूड मेन्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी ज़रूर कभी यहाँ पे आएंगे। पिंपरी चिंचवड़ में अगर आप रहते हैं तो आपको तो डेफिनेटली पता होगा रत्ना बहुत फेमस होटल है, तो आप भी कभी जाइएगा, या आप कभी पुणे विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे कभी ये टेम्पल आ रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे, तो इट्स अ मस्ट गो। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब आए हैं होटल रत्ना में। हमें ऑर्डर किया है यहाँ पे मेदू वड़ा, शीरा और मसाला डोसा। यहाँ का ये बेस्ट फूड है। तो हम अब घर आ गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, बहुत मज़ा आया। सैटरडे जल्दी सुबह स्टार्ट करने से दिन बहुत मिलता है ऐसा लगता है। ज़्यादा देर सो के निकालेंगे तो वीकेंड जस्ट ख़त्म हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो आज का दिन हुआ हमारा इस तरह से बीता, सुबह का एक्चुअली दिन हुआ भी नहीं है ख़त्म, ये सिर्फ आधा दिन था। अभी के सिर्फ दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम घर भी आ गए। तो अब हो गया हमारा बाहर घूमना आज के लिए। अब दोपहर में होगा नेक्स्ट वीक के रेसिपी शूट्स। दोपहर में जब अनन्या सो जाएगी तो हम, मैं और विराज हमारे काम पे लग जाएंगे। वीकेंड होता है सिर्फ होम कुकिंग में शेट्टी के लिए, ब्लॉग शूट होता है और सारे रेसिपी शूट होते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारे बाकी के जो रिस्पेक्टिव जॉब्स है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और सिर्फ शूट्स वीकेंड के लिए। तो आप सब रहे सेफ, आप भी स्पेंड कीजिए टाइम फैमिली के साथ बहुत सारा। आपने भी क्या क्या किया वीकेंड में हमें भी ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो हम बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी बहुत एक्टिव हैं, आप भी आपके सारे फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ खाना बनाया स्पेशल बनाया, तो उन सारे फ़ोटोज़ को शेयर कीजिए, हमें टैग कीजिए होम कुकिंग विद शेट्टी इस चैनल लिंक को, तो हम भी उसे रीपोस्ट करेंगे हमारे चैनल पे। तो इस तरह ये ब्लॉग हुआ ख़त्म। आप सब सेफ रहे और हैप्पी कुकिंग एंड टेक केयर।